अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम जो बेटा नहीं, और अल्लाह के फजल व करम से आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आमीन। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज रात के डिनर में बनाने जा रही हूँ आलू के पराठे, क्योंकि अब सावन शुरू हो गया। आपको पता है कि गर्मियों में ज़्यादा फ्राई चीज़ें बिल्कुल नहीं खाई जाती हैं, गैस बन जाती है पेट में और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए मैं वेट कर रही थी कि जब भी मौसम ठंडा होगा या तो मैं आलू की कचौड़ी या फिर पराठे बनाऊंगी। तो मेरे पास कचौड़ी के लिए कुछ सामान कम है जो मुझे चाहिए। तो अभी आपको पता है बारिश शुरू हुआ तो मार्केट भी नहीं जा सकते हैं, तो जिस दिन मुझे टाइम मिलेगा, जिस दिन मेरे पास सारा सामान होगा, तो उस दिन मैं आपके साथ में आलू की कचौड़ी की रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो आज के लिए हम बना लेते हैं इस ठंडे मौसम में, बरसात के मौसम में, चटपटे मिर्च के अचार के साथ में हम बनाएंगे क्रिस्पी करारे आलू के पराठे। तो ये देखिए, मैंने ये हाफ के जी यानी कि तकरीबन आधा किलो आलू ले लिए थे, जिनको मैंने बॉईल करके रख लिया है और इनका मैंने छील कर भी रख लिया है। तो अब इनको हम मैश करेंगे। और इधर मैंने ले लिया है एक मुट्ठी हरा धनिया, एक मीडियम साइज़ की प्याज। अगर आप आलू के पराठे में प्याज डालेंगे तो बहुत ही मज़े का इसमें टेस्ट आता है प्याज से। और हमने बेटा बहुत मारूंगे आप अकेला उधर जाके। और इधर मैंने रेड चिली पाउडर की जगह ले ली है चिली फ्लेक्स, तो मैं चिली फ्लेक्स का यूज़ करूँगी। ये घर पर ही मैंने बनाया हुआ है, किसी दिन जब मैं ये चिली फ्लेक्स बनाऊँगी तो इसकी रेसिपी आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। इधर हमने ले ली है पराठों का टेस्ट और स्वाद बढ़ाने के लिए कसूरी मेथी, और ये होममेड हमारा गर्म मसाला और हंसदे जायका नमक। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो अगर आप चाहें तो चम्मच या फॉक की मदद से आलू को फोड़ सकते हैं, लेकिन आलू के पराठे बनाने का मज़ा जब है जब आप आलू का मसाला हाथ से मिलाएं। तो मैंने हाथों को अच्छे से वॉश कर लिया है, देखिए सारे आलू को हम अच्छे से मैश कर लेंगे। आज मौसम ठंडा है तो सोचा कि क्यों ना आलू के पराठों का स्वाद लिया जाए, पराठों को एंजॉय किया जाए, तो इसलिए आज हम बना रहे पराठे। तो चलिए हम हमारे मसाले ऐड करना शुरू करते हैं। तो ये तकरीबन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 स्पून ले ली है मैंने कसूरी मेथी, और ये 1/2 स्पून डालेंगे हम होममेड गरम मसाला, क्योंकि बहुत स्ट्रांग होता है घर का मसाला, तो इसलिए मैं कम ही यूज़ कर रही हूँ। अदर डालेंगे हम 1 स्पून चिली फ्लेक्स, और इधर हम ऐड करेंगे हंसदे जायका नमक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसमें हम ऐड करेंगे प्याज और कटा हुआ हरा धनिया। बहुत ही मज़े के आलू के पराठे बन करके तैयार होते हैं और फटाफट से बन भी जाते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। जैसे कि मैं देखती हूँ लोगों को कि वो लोग यही कंप्लेंट करते हैं कि उनको आलू के पराठे बनाने में प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसके लिए नहीं बनाते हैं। तो जिस तरह से मैं ये आलू के पराठे बनाऊँगी, अगर आप भी उसी तरह से बनाएंगे तो आपका फटाफट से आलू के पराठे बन करके रेडी भी हो जाएंगे और बहुत ही मज़े के ये पराठे बन करके तैयार होंगे और आपके आलू के पराठे बिल्कुल भी फटेंगे नहीं। कुछ लोग होते हैं जो टिप्स देते हैं कि आलू को कद्दूकस करके भरना चाहिए तो वो फटेंगे नहीं पराठे से, ये है वो, सबकी अपनी अपनी राय होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैंने आलूओं का हाथ से ही मैश किया है, आप लोगों ने देखा है, तो ऐसे ही मैं ये पराठे आपको बना करके दिखाऊंगी। तो देखिएगा आप लोग, पराठे हमारे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे और बहुत ही मज़े के क्रिस्पी पराठे हमारे बन करके रेडी होंगे। तो देखिए पराठे का मसाला हमारा आलू का हो गया है तैयार। तो इसको मैं 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ। तो 5 मिनट के बाद मैं हम आपके साथ में शेयर करेंगे पराठे बनाने की रेसिपी, तो मिलते हैं आपसे 5 मिनट के बाद। तो चलिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, आलू के पराठे बनाना हम शुरू करते हैं। तो दिखाती हूँ मैं आपको कि हम आलू के पराठे कैसे बनाते हैं, और बिना इसको ग्रेटर में ग्रेट किए हुए मैंने हाथ से आलू को मैश कराया, इसका मसाला तैयार कराया। तो ये पराठे जिस तरह से मैं बनाऊंगी तो ये बिल्कुल भी नहीं फटेंगे और ईजिली फटाफट से बन भी जाएंगे बहुत कम टाइम में। तो ये देखिए मैं ले लिया आटा, मैं इसमें से छोटे छोटे पोर्शन में पेड़े बना लूँगी। छोटे बड़े पराठे आप जिस भी शेप में, मतलब जिस भी शेप में रखना चाहते हैं छोटे बड़े साइज के, वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। देखिए जब तक हमारा तवा गर्म हो रहा है तब तक हम पराठे बना करके रेडी कर लेंगे। देखिए इस तरह से, देखिए दो लोइयाँ फटाफट से बन करके रेडी हो गई और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। देखिए
आपको बेलते बेलते इस लोई को बढ़ा लेना है। हाथ से ही बेलन की मदद से आपको बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हाथ से ही आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो देखिए 1 स्पून मैं इसमें रखूँगी ये मसाला आलू का। आप मसाला कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। देखिए इस तरह से ये हमें पेड़ा लेना है, इस तरह से इसके पेड़े बनानी है। इस तरह से आपको इसमें से एक्स्ट्रा आटा निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी जो आलू की स्टफिंग है ये पूरे पराठे में आ जाएगी, पराठा कहीं से भी खाली नहीं रहेगा। देखिए हमारा एक पराठा बनकर के हो गया रेडी। इसको मैं रख लेती हूँ यहाँ टैप पर और दूसरा पराठा मैं आपको दोबारा से मसाले से फिल करके दिखाती हूँ। और देखिए कितनी जल्दी बन करके तैयार हो गए दो पराठे हमारे, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। ये देखिए फिर से मैंने रखा इसमें मसाला और हमें ये इस तरह से पकड़ना है लोई को और इस तरह से हमें जैसे हम प्लेटें मोमोज में डालते हैं सेम उसी तरह से। और आपको इसमें एक्स्ट्रा पार्ट निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी और ना ही आपका पराठा अंदर से खाली रहेगा। ये देखिए बन करके हो गए तैयार फटाफट से। इस मसाले को हम रख देते हैं साइड में और मैं आपको पराठा बेल करके भी दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिना फटे ही फटाफट से आपके आलू के पराठे बन करके हो जाएंगे बहुत कम टाइम में तैयार। ये देखिए बन करके हो गए पराठा रेडी। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसे सेक करके। तो चलिए तवे पर इसको डालते हैं। ये देखिए तवा भी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, अब पराठा मैं डालूँ तवे पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक साइड से इसको हम सिकने देंगे फिर इसकी साइड को चेंज करेंगे। लोग कैसे कहते हैं कि हमको पराठे बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन मैं जब भी पराठे बनाती हूँ तो फटाफट से बन करके रेडी हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, देखिए ब्राउन कलर के इस पर पॉट्स आ गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और बहुत ही क्रिस्पी हमारा ये पराठा सिक करके रेडी होगा। ये देखिए शर्त है कि जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप मैंने आलू का मसाला बना करके तैयार करा है और उसको लोई में फिल किया है, उसके अंदर भरा है, उसी तरह से सेम आपको ऐसे ही करना है। तो इंशाल्लाह आपके पराठे कभी भी नहीं फटेंगे और बहुत ही कम टाइम में आपके मज़ेदार से क्रिस्पी फूले फूले पराठे बन करके तैयार होंगे। तो इस तरह से हमें इसे राउंड राउंड घुमाना है, इससे होगा ये कि पराठा हमारा चारों साइडों से बहुत अच्छे से पक जाएगा, बिल्कुल भी कहीं से भी कच्चा नहीं रहेगा। बहुत से लोग होते हैं कि एक एक बार इस एक साइड से घुमा लिया, फिर इसको सेक लिया, फिर घुमा लिया, फिर सेक लिया। इस तरह से सेकने में पराठे में टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, उसके बावजूद भी पराठे कच्चे रह जाते हैं। तो देखिए कितने कम टाइम में हमारा क्रिस्पी ब्राउन कलर का पराठा बन करके हो गया है तैयार और माशाल्लाह से मसालों की पराठे में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए कितने मज़ेदार हमारे क्रिस्पी आलू के पराठे बन करके हो गए रेडी। तो चलिए अब दूसरा भी मैं आपको फटाफट से बना करके दिखा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसकी साइड हम चेंज कर देंगे। तो आज तो क्या ही बात है कि मेरे हस्बैंड की फेवरेट चीज़ें बनी हैं दोनों, चटपटा इंस्टेंट मिर्ची का अचार और उसके साथ में ये गर्मा गर्म आलू के पराठे और इसके साथ टमाटर की चटनी। तो आज तो उन्हें खाकर मज़ा ही आ जाएगा, तो बहुत ज़्यादा हैप्पी भी हो जाएंगे। ये देखिए अब ऑयल को मैं हटा देती हूँ। इसी तरह से हम इस पराठे को भी सेक लेंगे। बस आपको इसी तरह से हाथ रोकना नहीं है, बस इसी तरह से आपको पराठे को घुमाते रहना है, तो फटाफट से आपके पराठे सिक करके तैयार हो जाएंगे। मैं समझती हूँ कि जितना टाइम मुझे रोटी बनाने में लगता है उतना ही टाइम मुझे आलू के पराठे बनाने में लगता है, बिल्कुल भी मुझे टाइम ज़्यादा नहीं लगता है पराठों में और फटाफट से बन करके रेडी हो जाते हैं। और आज माशाल्लाह से मौसम भी बहुत अच्छा हुआ है, सुबह से बारिश बिल्कुल भी नहीं रुकी है, कुछ सेकेंड के लिए रुकती है फिर एकदम से तेज़ बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो जाती है। तो अगर ऐसी बारिश में अगर पराठे हों और साथ में मिर्ची का अचार हो तो क्या ही बात है,
खाने का मज़ा दुगना हो जाता है। ये देखिए माशाल्लाह से इस तरह से घुमाने से हमारा बिल्कुल पराठा परफेक्ट सिक करके रेडी हुआ है। तो चलिए अब दिखाती हूँ मैं आपको इसकी प्लेटिंग करके। तो ये देखिए हमारी कंप्लीट हमारी प्लेटिंग हो गई है कंप्लीट। तो ये क्रिस्पी मज़ेदार सा आलू के पराठे बन करके हो गए हैं रेडी। और देखिए इंस्टेंट बनने वाला मिर्ची का अचार और ये टमाटर की चटनी। तो देखिए कितनी यमी ये प्लेट लग रही है हमारी, तो खाने में भी ये उतनी ही ज़्यादा टेस्टी। तो देखिए मेरे बेटे को भी भूख लगी है, उनको भी प्लेट देख करके भूख लग गई है हम को, तो वो भी पराठे मांग रहे हैं, उनको भी मैं दूंगी अभी। तो ये देखिए कितनी मज़ेदार हमारी ये आलू के पराठे की प्लेट बन करके तैयार हुई है। तो आपको मेरी ये आज के आलू के पराठे की और इंस्टेंट बनने वाली मिर्ची के अचार की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो बहन भाई मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और मेरे चैनल को मेरी वीडियो को करें फुल वॉच। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।